अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने देखा कि भाई हिरोशिमा की मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ जब 2018 में जापान में आया था। तो तब हिरोशिमा का एक अच्छा सा टूर भी मिला था हमको एक वॉलंटियर के द्वारा, तो वीडियो काफ़ी अच्छी है। तो मैं दोबारा डाल के स्पॉइल नहीं करना चाहता कि सेम चीज़ दोबारा डाल दूँ। तो वो हिरोशिमा हम गए थे इस बार, देवांग के लिए नया था, मैं पहले जा चुका था। तो हिरोशिमा से हम गए थे भाई इज़ुमो गए थे हम स्लीपर ट्रेन लेने, जो कि ये वीडियो है स्लीपर ट्रेन के बारे में। तो हिरोशिमा का पूरा पार्ट मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने शूट किया था इतना इंटरेस्टिंग भी लग रहा मेरे को। तो पिछली वाली वीडियो देख सकते हो या फिर आप देख सकते हो देवांग की वीडियो, इसकी भी आज ही आ जाएगी वीडियो। हिरोशिमा की स्पेशल देखनी है तो इसकी वीडियो देख के देख लो, अच्छी बनाई है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था कि कहीं आप सोचो कि एकदम से इज़ुमो कैसे पहुंच गए। पहले हम सुबह सुबह गए थे हिरोशिमा और हिरोशिमा से हम गए थे इज़ुमो, और इज़ुमो से अब आप देखो स्लीपर ट्रेन जो हमने ली है वो लेके हम पहुंचेंगे ओसाका। और ओसाका में भाई हम रात को, उसने हमको कितने बजे उतारा वो आपको आखिरी में पता चलेगा, और फिर हम वहाँ पर फंस गए। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। अब हम चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट क्योंकि हमारी ट्रेन है यहाँ से 1:22 पर, हिरोशिमा स्टेशन से इज़ुमो जाएंगे हम। इज़ुमो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से चलती है स्लीपर ट्रेन, मतलब जापान में बहुत ही रेयर है स्लीपर ट्रेन, क्योंकि यार कोई क्यों लेगा स्लीपर ट्रेन जब एक जगह से दूसरी जगह शिनकानसेन से आप 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में पहुँच रहे हो, तो स्लीपर ट्रेन कोई क्यों लेगा और सरकार भी क्यों ही बनाएगी जब किसी को लेनी ही नहीं है। तो वो ट्रेन चलते हैं इज़ुमो से टोक्यो और टोक्यो से इज़ुमो। हमको पूरे रूट की टिकट तो नहीं मिली, इज़ुमो से ओसाका तक की मिली बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से पहले हिरोशिमा से आपको दिखाने के लिए नवांकुर जा रहा है, इतनी दूर है ना, तो ट्रेन तो मजेदार होते हैं ना, मतलब बड़ी यार वो मैं कहूँ ना, मेरे को था नहीं, मैं कहा भाई क्यों जा रहा है इतनी दूर, तो पीछे चलते हैं वापस, लेकिन मेरे को था इसने फोटो फिर ट्रेन की, तो मैंने कहा भाई अब तो जाना है। तो अब देखते हैं स्टेशन पर जाके दोबारा पता कर लेंगे, अगर आगे तक की टिकट्स अवेलेबल होंगी तो हम आगे तक की ले लेंगे, वरना ओसाका उतर जाएंगे और फिर अपनी शिनकानसेन ले लेंगे। तो अभी चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, पास में ही है, और खाना खाते हैं क्योंकि मेरे को पता है अब बैठ जाएंगे इज़ुमो तक जाने में 4 घंटे लगेंगे। यार अब तो ये सिटी बहुत नॉर्मल हो गई है, मतलब पिछली बार में आया था तब भी नॉर्मल ही थी, अब मतलब सही हो गया है, तो बस लग ही नहीं रहा इस सिटी में कुछ हुआ था। बहुत तरक्की करी यार जापान ने, मतलब दुनिया से बहुत आगे निकल गया है ये देश। 70 साल में ऐसे युद्ध लड़े इसने 1940-42 में, और फिर मतलब उसके बाद 70 सालों में इतनी तरक्की कर जाना, मतलब पूरा तबाह होने के बाद हजारों की संख्या में इस जापान के ऊपर बम गिराए थे, हजारों की संख्या में, इतने बम मेरे को लगता कि इस देश पर गिराए होंगे, और फिर उसके बाद तरक्की कर जाना बड़े मतलब मानने वाली बात है यार कि 70 साल में इतना डेवलप कर देना। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान USA और चाइना के बाद, तो बड़ी बात है यार। यहाँ पर ज़्यादा लोग उतरते हैं ना तो ड्राइवर के पास ना जा पाओ आप, तो यहाँ पे भी मशीन लगा रखी है इन्होंने, तो गिनते भी नहीं है वे। हाँ है ना, देख रहा कितने ट्रस्ट पे चल रहे हैं लोग। पर ये है कि भाई भाई लॉकर की चाबी है क्या, मैं दोबारा नहीं दे पाऊंगा 700। पर बात ये है कि इतना भी ट्रस्ट नहीं करते, दूसरी तरफ खड़े थे लोग वो है ना, नहीं मतलब उसमें जब मैंने सिक्के डाल दिए थे, मतलब क्या डाला है सिक्के अंदर, छनक की आवाज करनी थी हमको, बस वो सुन लेता है 1 2 3 4 4 सिक्के कितने हुए। तो अब आ गए हैं वापस हम अपने स्टेशन पे। ये होता है कॉइन लॉकर्स जापान में, और इनका आप ट्रेंड देखो कैसा है। हमने इस वाले में से निकाला है 8037 में से, ठीक है, इस पे ग्रीन लाइट चली है, मतलब ये अवेलेबल है अब, और सारे फुल हैं A to Z, किसी पे ग्रीन लाइट नहीं है, बस एक उस पे है ग्रीन लाइट। मतलब ये सोचो कितना खतरनाक ट्रेंड है देवांग, सुबह जब आए थे खाली थे ना, तो एक साल दोबारा पैसे ले लिए मेरे से, चाबी दो तुम आराम से खोल चाहिए। तो भाई अभी क्या हुआ, हम स्टेशन पे खड़े थे हिरोशिमा वाली पे, तो वहाँ पे भाई एक ये ट्रेन आ गई जिस जो ओकायामा जा रही थी, बैठना था 1:12 वाली पे, पर ये चल रही थी 1:03 पे, दिखने में भी बुलेट ट्रेन लग रही थी मेरे को। तो मैंने पूछा AGR पास में है, वो वहाँ पे पड़ंदा खड़ा था ट्रेन वाला, कहता हाँ है ओकायामा जाती है ट्रेन, और हमारी अगली ट्रेन ओकायामा से थी कुछ 2:05 पे, तो हम इसमें बैठ गए। पर एक तो ट्रेन बेकार है, ऊपर से सारे स्टेशन पे रुकेगी है जितने भी आएंगे ओकायामा तक के बीच में, तो ये लगाएगी कुछ 1.5 घंटा, डेढ़ नहीं आपको 1.5 घंटा मान लो आप। और जो शिनकान से तेज़ वाली होती है, मतलब जो कहीं नहीं रुकती सीधा हिरोशिमा से ओकायामा जाती है, वो लगाती है 35 से 40 मिनट बस। तो अभी ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है क्योंकि उस वाली शिनकान से जिस पर हमको असली में आना था बैठ के, उसको रास्ता देने के लिए, तो
तो अब देखना साइड में से भी निकलेगी वो ट्रेन भी जिसको ये रास्ता देने के लिए रुकी पड़ी है। देवांग कैसा लग रहा है तेरे को बैठ के इसमें? यार बेकार सी लग रही है, मतलब ऐसे गलत किया हमने 2 मिनट के चक्कर में ना। हाँ तो बैठ पर अब देख साइड में से तेरे निकलेगी जिसमें हमको बैठना था, पक्की बात है उसको रास्ता देने के लिए। ओ भाई मैं भी डर गया, देखिए गई ना इसमें जाना था। इस ट्रेन ने बहुत पागल बनाया। अभी हम गलत ट्रेन में आ गए थे, पता था आपको मैं फुल प्रूफ तरीका है ट्रेन सही में बैठने का। अब इसकी चोंच देखिए, चोंच लंबी नहीं है, तो ये स्लो ट्रेन है, जितनी लंबी चोंच उतनी फास्ट है, तो चोंच देख के बैठिए गाड़ी में। लिखा तो सुवेनियर वेंडिंग मशीन है पर अंदर कुछ और ही बिक रहा है इस पे, तो ये भी पहली बार देखी है मैंने ऐसी वाली वेंडिंग मशीन। ये एक ओकायामा स्टेशन पे है ये वाली, ये देखो भाई एक और वेंडिंग मशीन ओकायामा स्टेशन पे। नोर का सूप, हॉट हॉट ये क्या है, चॉकलेट, हॉट चॉकलेट। ये इसमें क्या मिलता साइकिल ले तेरे लिए कोलंबिया। हमारी ट्रेन थोड़ी देर बाद ही है तो मैंने सोचा कि मैं ले लेता हूँ हॉट चॉकलेट, कुछ तो पी लें टाइम पास करते हैं, बहुत देर बाद है क्योंकि ट्रेन। तो ये मैंने डाला 1000 का नोट अंदर ले गया और 1000 आ गए यहाँ पे। बिगी ले लेता हूँ अब, यहाँ पका के यहाँ मतलब बना के यहाँ देगा, 23 सेकंड में बन के आएगा। क्या चाहिए तेरे को? पंजाबी कह रहा है इसको ये वाला चाहिए, नहीं नहीं ये वाला, अब इसमें से चूज कर ले। पिंकी पिंकी तेरा 20 सेकंड बनेगा। अरे इतना टाइम, ओ यार मस्त लग रहा है तेरा तो, दिखा कैसा है नजारे। हिरोशिमा का हमारा छोटा सा एक डे टूर था क्योंकि हमारे पास JR पास था, अगर मेरे पास नहीं होता तो हम बिल्कुल नहीं जाता। तो अभी हम पहुंच गए हैं ओकायामा स्टेशन, यहाँ से करेंगे हम आगे की जर्नी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा जापान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्लीपर ट्रेन, मतलब बहुत कम है वैसे भी, एक 3-4 ही होंगे मेरे हिसाब से, तीन ही होंगे मेरे हिसाब से, इतना नहीं पता मेरे को पर हाँ बहुत कम है। चलिए सर और अभी हम हैं ओकायामा स्टेशन पे, ये है शिनकानसन के ट्रैक्स मतलब बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स। हम जा रहे हैं यहाँ से इजुमो, इजुमो के लिए जाना पड़ेगा हमको लोकल लाइंस जो लिखा है, अभी दिखाता हूँ एक सेकंड, अब दिख रहा होगा ये देखो लोकल लाइंस ट्रांसफर गेट, तो लोकल लाइंस पे जाएंगे हम और वहाँ से मिलेगी हमको इजुमो के लिए ट्रेन। देखो ये जो लिखा ना याकुमो नंबर 17 ये हमारी जाएगी 3:05 पे और डेस्टिनेशन ये इजुमो ही लिखा है मेरे हिसाब से आखिरी, पर जैपनीज ये बहुत देर में आएगा। हाँ ये आ गया इजुमोशी, चलते हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये आ गए भाई अपना इजुमोशी की ट्रेन। ये देखो हमारे बीच TTR रखा है, इसने बस रेल पास देखा और चला गया। इसने एक सवाल पूछा पूरे जैपनीज में और उसका मैंने करेक्ट जवाब दिया बिल्कुल। उसने पूछा मैंने कहा इजुमो, कहता ओ इजुमो जा रहे हो ठीक है बैठो आराम से। सही जवाब दिया ना, फिर बोला उसके बाद बोलती बंद कर दी ना। तो भाई ये मैं पहुंच गया हूँ इजुमो, और इजुमो मतलब मैं सोते हुए आया हूँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी उठा ही नहीं मैं, तो भाई बिल्कुल गहरी नींद में सो गया। और अब हमारी ट्रेन है 23 मिनट बाद यहाँ से जो स्लीपर ट्रेन है, और वो भाई हमको उतार देगी रात के 12:30 ओसाका, पता नहीं हम क्या करेंगे। अरे पंजाबी 12:30 ओसाका उतर क्या करेगा, जैसे वही हालत होगी जो हम सोए थे। स्टेशन
तो भाई हमने सारी कोशिश कर ली, अगर फूजी तक की टिकट मिल जाती है ना मज़े ही आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ना ओसाका के बाद अगला स्टॉप ही सिज़ुओका पर फूजी है, आराम से फूजी में उठते 5 बजे, पर अब 12 बजे उतरना पड़ेगा हमको। मैंने कहा ही था वो आ रही है अपनी ऊपर लिखी हुई 1853 पे आएगी, ये आ गई सनराइज इज़ुमू, टोक्यो के लिए बाउंड है, शाम को 6:53 पे चलती है शाम के। आप तो सर्दियों में तो एक तरह से रात ही मान लो इसको, तो जब टोक्यो से चलती है तो इसका नाम शायद सनराइज एक्सप्रेस होता है, और यहाँ से चलते हैं सनराइज इज़ुमू शायद कुछ ऐसा है, इस तरफ आएगी ना भाई। ये रहा 5 नंबर अपना डिब्बा है, तो 5 नंबर डिब्बे के हम आगे खड़े हो गए यहाँ के, और ऑब्वियस ही बात है खाना तो हम अपना ले ही आए, खाना और ये थोड़ा मीठा, आने वाली है बस ट्रेन। तो भाई इसकी जो सीट है ना वो तो है ही मतलब फर्स्ट क्लास बिल्कुल मज़ेदार, पर काफ़ी अलग अलग तरह के कैबिन है, पर जो हमने टिकट बुक कराई है वो JR पास में इंक्लूडेड थी, और ये हमने टिकट बुक करा ली थी शिन ओसाका से। आप पूरे जापान में ना कहीं से भी कहीं की ट्रेन की टिकट कहीं से भी बुक करा सकते हो, ठीक है, और मशीन से भी करा सकते हो। तो हमको टिकट मिली मुश्किल से मुश्किल भाई इज़ुमुशी से शिन ओसाका की, जाना तो फूजी था, हमने दोबारा ट्राई करा भाई, क्या पता कैंसिलेशन वगैरह हो गई हूँ, पर जापान की ट्रेन की कैंसिलेशन पॉलिसी पर नहीं पता, लोग कराते भी है कैंसिल नहीं कराते क्या करते हैं, तो हमको फूजी तक की नहीं मिली। तो यहाँ से चलेगी 6:53 पे शाम को, और हमको ओसाका पहुँचा देगी 12:30 बजे अगर टाइम पे हुई ट्रेन तो, क्योंकि कई बार लेट भी हो जाते हैं जापान में भी ट्रेन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जब बर्फ़ वगैरह गिरती है, पर बर्फ़ लेकर नहीं रही है मेरे को, तो लेट नहीं होगी। और यहाँ पे जीप भी तो तला रही है क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, पूरे जापान में ही तीन चार डिग्री मिला है ना, तो कहाँ से आएगी भाई। कितना टाइम हो गया, 10 मिनट है तो लगेगी, 5 मिनट पहले तो आगे लगेगी कम से कम। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं जापान की वन एंड ओनली मोस्ट फेमस स्लीपर ट्रेन। एक ही स्लीपर ट्रेन है, दो होंगी शायद पता नहीं। और भाई इस ट्रेन में ना शावर भी है, तो और उस शावर की टिकट मिलती है 330 yen की कुछ। हाँ जी, तो 330 yen की टिकट वो मिलती है कार नंबर 10 में से। अच्छा जी, मतलब घर पे तो तुम नहाते नहीं हो नवांकुर, तो हम ट्रेन यहाँ पे शावर क्या करोगे, तो नहाएंगे हम ट्रेन में। तो उसके ना लिमिटेड होता है, पर वो मतलब कि थोड़े बहुत ही वो देते हैं पास, क्योंकि भाई लिमिटेड पानी होता है, तो हम क्या करेंगे जैसी बैग रखेंगे सीधा कार नंबर 10 में चले जाएंगे, पहले अच्छा, टिकट लेंगे पहले नहाएंगे जाके। हाँ, क्योंकि कल भी नहीं नहा पाएंगे हम। अरे यार भाई इस बंदे के प्लान अलग ही लेवल के चल रहे हैं। तो भाई अभी एंट्री मारने वाली है जापान की एक आधी ऐसे स्लीपर ट्रेन है, उनमें से एक है ये देखिए, डबल डेकर सी होगी, बुलेट ट्रेन की तरह नहीं होगी ये, थोड़ा सा ऐसे अजीब सी शेप है इसकी, डड्डू जैसी। सनराइज एक्सप्रेस ये देख रहे हैं आप। तो इसमें यार एक्चुअली कैबिन्स भी आते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, वो पास में नहीं होते इंक्लूड। हाँ ये नोबी सीट्स हैं, ये वाली जो गई ये देखिए लकड़ी की मस्त सी, और अपना यही डब्बा है ना 5 नंबर। तो आइए चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ये दरवाजे ऐसे ही खुल जाते हैं ऑटोमेटिक से होते हैं। मेरी 4A है, तेरी कौन सी है, अबे मेरी नीचे है, मुझे तो ऊपर लेनी थी, हट तो आ जाइए मेरे पास सो जाइयो, तेरे पास सो जाइयो, अबे यार फिर तू फंस गया बीच में आके। तो मेरी है भाई 4A, तो 4A ये हो गई सीट है कि नहीं अलग सी। तो ये देखो भाई एक सिंगल कंपार्टमेंट है, ये कपड़े वपड़े भी देते पहनने के लिए, और काफ़ी कुछ फीचर्स हैं, पर ये महंगा आता है, चप्पल भी देते हैं। ये सिंगल कंपार्टमेंट्स का डिब्बा है, ये मशीन है, मैंने कहा था कि आते ही ख़त्म हो जाते हैं भाई, और मेरे को मिल गया ये, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो आप, 330 का आता है ये, और ये लास्ट कार्ड था, पंजाबी को नहीं मिला क्योंकि पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने उसको कहा था पहले ही आ जाइयो, और मैं उसके लिए ले ही रहा था, पर ये सेल एंड लिखी आ गई। तो अभी तो भाई काफ़ी हद तक खाली है ट्रेन, ऊपर मतलब एक ये भाई आया, एक मैं आया हूँ, और एक वहाँ पे बंदा है बस पंजाबी, नीचे कोई है पंजाबी पूरे उसमें,
एक भी नहीं है ऊपर। ठीक है चल आ जा भाई, तेरे को शावर कार्ड तो नहीं मिला। अब एक काम हो सकता है, पूछ क्या, तीन मिनट में आऊंगा, तीन मिनट तू टावल ले खड़ा रहियो बाहर। हाँ, तो कार्ड का यूज कैसे करना पता नहीं ना। पता है वहीं पे शावर है। चलो ठीक है, मैंने कहा था जल्दी जल्दी आ जा, कहाँ रह गया भाई तू, उधर गया मैं तेरे को। हाँ, देखा तू पिछली चीज चला गया थे ही नहीं तेरे भाग रहे दोनों ही दूसरे के पीछे पीछे। तो ये देखिए ऐसा होता है काबिल, और ऐसे नीचे भी हो सकते हैं आप। बट सही है यार काफी काबिल ये। अपना तो भाई पीछे रह गया। ये भाई सनराइज इज़ुमू की टॉयलेट, डू नॉट ड्रिंक टिश्यूज, इस सोप होगा मेरे हिसाब से, और ऊपर टॉयलेट पेपर रखे हैं नए के नए रोल्स, और बस बढ़िया है साफ है। मैं नूडल्स लेके आ गया था, ये पंजाबी लेके आ गया था, ये पुडिंग भी लेके आए हम। मेरे पंजाबी कौन सी पुडिंग लेके आया, मेरी भी अच्छी है ये वाली पंजाबी लेके आया। तो 750 रुपये का ये है, 750 रुपये का वो रुपये नहीं है मतलब। भाई ये मेरा कैबिन है, शायद ये लाइट जल जाए। हाँ यहाँ से ये बंद हो जाती है वाली, ठीक है, और शायद लाइट भी बंद हो जाता है ये। जी हाँ बिल्कुल, और चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं है, एक गिलास दे रखा है, और ये हमने खाना खा लिया, और चद्दर दे रखी है पूरी, और ये शायद पिलो कवर होगा जो कि हम बिछाएंगे नहीं, हमको यूज़ ही नहीं है। 5 घंटे बाद हमारा स्टॉप लगेगा, वो तब तक ए सी वगैरह आप बंद या ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ, 12:30 स्टॉप आएगा अपना, तो 11:30 उठ जाऊँगा, और फिर आने वाले भी चल पड़ेंगे 11:30 अगर मन किया तो। पर्दे भी लग जाते हैं देखो, पूरे के पूरे लग जाएंगे उस पर भी जैसे उस बंदे ने लगा लिया। तो पंजाबी की सीट नीचे है, नीचे भी ऐसा ही है। तो भाई ये ड्यूल वाले कैबिन है, तो नीचे भी मुझे लगा शायद खुला है, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, मतलब यहाँ है कैबिन, यहाँ है दो दो बंदों का। ये है, यहाँ पे डालना है अपना कार्ड, और कार्ड मैंने डाल दिया, क्या हो गया उसमें 6 मिनट टाइमर भी आ गया, ठीक है। अब इस कार्ड का क्या करना है पता नहीं, अपने साथ ले जाओ क्या है। यहाँ पे हेयर ड्रायर है, प्रेस दिन आफ्टर फॉर नेक्स्ट कस्टमर, मेक श्योर द डोर इज कम्प्लीट, इट विल टेक 1 आवर टू क्लीन द शावर रूम। अच्छा ऐसा है, ये समझ लीजिए। हॉट वाटर 6 मिनट तक चलेगा, बजर साउंड फॉर 10 सेकंड, द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर हॉट वाटर बिकम 1 मिनट, डोंट इन मोर देन 2 कार्ड कंटिन्यूसली, थैंक यू फॉर कीपिंग। ठीक है भाई, डस्टबिन भी है, और ये देखो वहाँ पे भाई शैम्पूज भी हैं, और चलो सही है। तो हमने पंजाबी 3 मिनट ना लेगा, मैं 3 मिनट, और अपना हो जाएगा काम। देखो 3 मिनट 1 सेकंड मैंने पंजाबी के लिए छोड़ा था, पर यहाँ लिखा डोंट अनलॉक द डोर आफ्टर इंसर्टिंग योर शावर कार्ड और योर कार्ड विल बिकम इनवैलिड। तो मैं जैसे ही इसको अनलॉक करूँगा, कार्ड शायद 00 हो गया, सॉरी पंजाबी भाई। तो ये चली गई भाई हमारी ट्रेन, हमको
रात के 12:50 पे ओसाका उतार के, 20 मिनट लेट थी भाई ये ट्रेन। और अब हम पता नहीं क्या करेंगे, चेयर कार भी तो थी जो वहाँ पे बैठे थे लोग ऐसे गप्पे मार रहे थे जहाँ पे, हाँ बाथरूम के पास वहाँ बैठ तो सकते थे, और फिर आके देख लेते कि सीट खाली है या नहीं। पर अब तो गई वो जा रही पंजाबी। पर एक बात सही हो गई, शिन ओसाके की जगह ओसाका उतारा इसने, तो सिटी के अंदर आ गए ना हम, क्या करें तो सिटी के अंदर थोड़ा सस्ता मिलेगा जो भी होगा।